अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया पंडित हरिशंकर तिवारी ने माता प्रसाद पांडे। खबर गोरखपुर बड़हलगंज से। चिल्लू पार के विकास व यहां के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी सादगी और कर्मठता के मिसाल थे। उन्होंने अपने विचारों से कभी भी समझौता नहीं किया। सत्ता में आकर उन्होंने चिल्लू पार सहित पूरे प्रदेश के लोगों को किसानों और नौजवानों की भलाई के लिए काम किया। ये विचार सोमवार को नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज के प्रांगण में आयोजित पंडित हरिशंकर तिवारी के 28वीं जयंती समारोह को बतौर अध्यक्ष संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने व्यक्त किया है। पंडित हरिशंकर तिवारी के समकक्ष नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पंडित जी के तमाम संस्मरण सुनाते हुए कहा कि हरिशंकर तिवारी ने सभी कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। वे सभी को समभाव से देखते थे। कभी भी जाति आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब समय आ गया है कि 2027 में सबको साथ लेकर ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाए और शांतिपूर्ण क्रांति के साथ इस सरकार को सत्ता से बेदखल करे। समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने कहा कि पंडित हरिशंकर तिवारी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। चिल्लूपार ही नहीं वरन पूरे पूर्वांचल को पिछड़ा कहा जाता था। समारोह को पूर्व सभापति विधान परिषद गणेश शंकर पांडे, नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री वीरेंद्र मिश्र, विधायक जुबरियागंज सईदा खातून, प्रेम शंकर मिश्र एडवोकेट ने भी संबोधित किया। चिल्लू पार है कि पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत तथा पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने आभार व्यक्त किया है। संचालन डॉक्टर सुधीर शुक्ला ने किया। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे। कभी तानाशाही की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और तानाशाही का इतिहास रहा है बंधुओं, चाहे वो जो भी कोई तानाशाह रहा हो उसका अंत बुरा हुआ है। चिल्लू पार खासकर दक्षिणांचल अपनी उपेक्षा का शिकार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा थोड़े दिन पहले एक एथनॉल प्लांट लगाने की बात बहुत जोरों से चर्चा में थी, लेकिन एथनॉल प्लांट लगते लगते वो गोबर इथेनॉल प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन वो गोबर गैस प्लांट तक आ गया। गैस प्लांट भी लग गया होता तो ठीक था। वो गोबर गैस प्लांट भी अयोध्या और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लगा पाई। यही यहाँ का विकास है और इसी विकास को हम कह सकते हैं। में क्यों पानी किया और चबूतरा तो थोड़ा चर्चा में इस पर करने आपके बीच में आया दिया है। और जब 2017 में मिनिस्टर बनकर के आया तो उसकी भाषा हाथा के रहते क्या थी, वो भी कारण आया हूं। पूरा वक्तव्य लेकर के आया हूं, जिसको चाहिए होगा लेकर के हमसे पढ़ लेना। वो व्यक्ति कहता है कि अरे तिवारी जी का हाथा तो वही पला, वही पढ़ा, वही खाया, वही जिंदा रहा, वही के बोला यहां तक पहुंचा और शनि घटना में तिवारी जी के नाम को तरंगित करने का काम उसने सीखा। तुम्हारी आत्मा रो रही है मेरे साथियों, 139 सीटों पर आज भी आप बहुमत में हो। 139 सीटों में भी आपकी संख्या कितनी है, जिसको चाहे उसको विधायक बना दो, जिसको चाहे उसको सांसद बैठा दो। इसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संकल्प लेकर के विधानसभा में मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। तुम क्या करने आए हो? पंडित जी लोगों का अपमान करने आए हो? पंडित जी लोगों की बेइज्जती करने आए हो? पंडित जी के और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समुदाय के लिए उस सबके लिए संभावना के नाम पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज का बदलाव अपनी ताकत द्वारा रखो, लेकिन अपनी ताकत में दूसरे कुटुंबों की तरह जोड़ो, जिससे आपकी ताकत एक बड़ी ताकत बन जाए। अरे ताकत बड़ी नहीं बन पाएगी अकेले, ताकत कमजोर हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कि मैं नेता विरोधी करता हूं, इसे जितना बधाई धन्यवाद हमको दे रहे हैं उतने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दीजिए और हमारी पार्टी को दीजिए कि पार्टी ने आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए मुझे आपके पड़ोसी से ज्यादा लड़ाई होगी। अभी तक तो इधर उधर था तो सारी लड़ाई यही सीमित हो गई है, तो अगर आपका साथ नहीं रहेगा तो कमजोर हो जाए। आज अखिलेश यादव ने कमजोर कर दिया, आज बोलती बंद है। क्या कह रहे थे? आपकी बार 400 बार 300 बार उत्तर प्रदेश न उत्तर प्रदेश में किसे लड़ा? गठबंधन ने, गठबंधन में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन? समाजवादी पार्टी। रोक दिया कि नहीं रोक?
अच्छा, जिस तरह से उनकी मूर्ति स्थापित हो रही थी और सियासत हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह हमारी विधानसभा कुल कुल देश के लिए स्थगित, सारे विधायक हमारे नेता गोपाल जी के नेतृत्व इस कृत्य के खिलाफ सरकार के घर में आए और सरकार ने कहा कि तुम मुझे नोटिस दे, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम इसको मूर्ति लगनी चाहिए, गाँव में लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए ये तय करें।